एल डीजे म्यूजिक प्रेजेंट क्या खराब जमाना आ गया है। बैठी रहे बहू बैठी रहे। डंगरों को चारा पानी दे दिया है, कहीं भूखे तो नहीं बैठे हैं। आप चिंता मत करो, मैंने डंगरों को चारा पानी सब दे दिया है। चल तुमने ये बहुत अच्छा काम करा बहू। माँ जी आपको एक खुशखबरी देनी थी। क्या मेरा बेटा रात भी आ रहा है क्या? नहीं माँ जी वो नहीं आ रहे हैं। तो फिर क्या खुशखबरी है? मैं डॉक्टर ने यहाँ गई थी, डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि इस बार मुझे लड़की होगी। हे बहू हमारा नाश करेगी क्या? तुझे भगवान ने दो लड़के दिए हैं, ये काम है क्या? माँ जी अगर इनकी बहन आ जाएगी, घर में लक्ष्मी आ जाए तो उसमें क्या बुराई है? मुझे ना चाहती लक्ष्मी अच्छी भी, मुझे ये दो राम लक्ष्मण बहुत है। पर मुझे एक बेटी की बहुत इच्छा है माँ जी। ऐसा ना अपनी इच्छा को छूने करके फूंक दे, मुझे ना चाहिए लड़की वड़की। क्या खराब जमाना आ गया है। मम्मी मम्मी बताओ ना हमारी गुड़िया बहन कब आएगी? मम्मी मम्मी जब हमारी गुड़िया बहन आएगी ना हम उसको कोंगो दिखाएंगे। हाँ बेटा भगवान जी जब तुम्हारी गुड़िया बहन को भेजेंगे ना तब तुम अपनी बहन को खूब खिलाना। मम्मी मम्मी भगवान से बोल दो ना वो हमारी गुड़िया बहन को जल्दी भेज दे। भैया भैया जब हमारी गुड़िया बहन आएगी हम उसे कपड़े खिलौने टोपी ला कर देंगे। पहले गुड़िया को आ तो जाने दो, इसके बाद फिर खिलौने और वो टॉप वगैरह सब देना। बहू मैं तुम्हारे लिए बैल से बहुत अच्छी दवाई लेके आई हूँ। दवाई? पर माँ जी मेरी तबीयत तो बिल्कुल सही है, मुझे दवाई की क्या जरूरत है? अरे बहू ये ताकत की दवा है, इसे खाने से तुझमें ताकत भी आ जाएगी और तुझे कोई परेशानी भी नहीं होगी। पर माँ जी पर कुछ नहीं, दवाई तो तुझे खानी ही पड़ेगी, राजवीर तो यहाँ है नहीं, तेरी फिक्र मुझे ही तो करना है। ठीक है माँ जी लाओ। बहू तू अब लेट जा, दो घंटे के बाद देखना ये दवा क्या कमाल करती है। तू आराम कर, अब मैं जाके डंगरों को पानी पिलाती हूँ, बुढ़ापे में भी डंगरों को पानी पिलाना है। Bye.
अरे बेटा ऊपर चलो पढ़ाई करो, चलते यहाँ चोट लग जाएगी। अब खेलना बंद करो, चलो तो। अभी हम खेल रहे हैं, खेल कर बाद में पढ़ लेंगे। नमस्ते। चलो पढ़ाई करो जल्दी, ऊपर आ गए। अच्छा आ जाए, तुम्हें देख के तो बड़ी खुशी हुई मुझे, मेरी छाती ठंडी हो गई भैया। अच्छा तो मैंने तुम सपने में भी देखा था तुमको। चलो अच्छा, अंजलि कहाँ है? अंजलि ऊपर है। नमस्ते नमस्ते। चलो पढ़ भी रहे कि नहीं? चलो चलो शाबाश। क्या खराब जमाना आ गया है, आजकल के छोरे बहू के गुलाम हो गए। क्या बात है, रो क्यों रही है? कुछ नहीं, बस यूं ही। कोई तो बात है। वीर आर्यन जाओ बेटा बाहर खेलो, तुम जाओ बेटा खेलो। चलो अंजलि अब बता क्या बात है, तू रो क्यों रही है? कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। अंजलि तुझे मेरी कसम, बता क्या बात है? मॉम ने मेरी बेटी की हत्या करवा दी। क्या कह रही है तू? ये सब मॉम ने कैसे करा? कैसे करा बताओ। माँ जी को अपनी माँ से भी बढ़कर माना।
जो माँ ने कर दिया सो कर दिया। मैं उसे माँ को भी कुछ नहीं कह सकता। अगर मैं माँ को कुछ कहूँगा तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। तू ऐसा कर, इसे बुरा सपना समझ के तू भूल जा। कैसे भूल जाऊँ, कैसे भूल जाऊँ अपनी उस मासूम बच्ची को, कैसे भूल जाऊँ। मैं नहीं भूल सकती। भगवान ना करे तुझे कुछ होगा तो उन बच्चों का दोनों का क्या होगा। अंजलि तुझे आकर घटना भूलनी पड़ेगी। अब मैं रिटायर हो गया, अब मैं हमेशा तेरे पास ही रहूंगा। बस बस रो मत, बस बस शांत हो जा। काम चला ले, जब मैं भोज में जाऊंगा ना तुम्हारे लिए अब बहुत सारी खुशी लाऊंगा। ठीक है भैया, ला दूंगा। तू हमारी बहन गुड़िया है ना? हाँ भैया, मैं तुम्हारी बहन गुड़िया हूँ। बहन तो हमें छोड़कर भगवान के पास क्यों चली गई थी? भैया मैं तो आप दोनों के पास आ रही थी पर दादी ने मुझे मार दिया। अम्मी 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 क्या हुआ? मुझे सपने में गुड़िया दिखी थी, वे कह रही कि मुझे दादी माँ ने मार दिया। बेटा ये तो सपना था, सपने कभी सच्चे नहीं होते। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो तो गुड़िया थी ना, वो तो भगवान की थी, बस भगवान ने बुला लिया उसे, ऐसी कोई बात। ठीक है बेटे, हाँ ऐसा कुछ नहीं। रोने से कोई फायदा नहीं है, अगर तू रोएगी तो इन बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। चुप हो जा, अब क्या फायदा रोने का, बस चुप हो जा। अच्छा ऐसा बेटा चलो सो, रो मत, चलो चलो बेटो चलो सो, चल चल रो मत। भैया जो हमारे भी बहन होती तो आज हमारे भी राखी बांधती। हाँ भैया, मैं उसके लिए नए कपड़े ले लाता। हमको भी बांधती वो राखी, होती जो बहन हमारी, हम उसके प्यारे होते, वो हमको होती प्यारी। हमको भी बांधती वो राखी, होती जो बहन हमारी। है सबके घर में बहना, हम दोनों भाई अभागे, तकदीर में मारी विधाता, नहीं प्यार भरे ये धागे। सब कुछ है पास हमारे, बिन बहना हम हैं भिखारी। किस पाप की हमने दाता, जीवन में सजाए पाई,
बहना के प्यार को तरसे सुनी है मारी कलाई, फूटी है किस्मत मारी, माँ भी तो रोए बिचारी, हमको भी बांधती वो राखी, होती जो बहन हमारी। हमको भी बांधती वो राखी, होती जो बहन हमारी, हम उसके प्यारे होते, वो हमको होती प्यारी। हमको भी बांधती वो राखी, होती जो बहन हमारी। है सबके घर में बहना हम दोनों भाई अभागे, तकदीर में मारी विधाता नहीं प्यार भरे ये धागे। नेहा यार आम खाने का मन हो रहा है, देखो तो कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर आम है, देखो ना वहाँ पर। हाँ यार है तो बहुत प्यारे, पर कैसे तोड़े इसे हम? यार पत्थर मार के तोड़ते हैं, ये सही कहा ये भैया। सुनो तो सही। हाँ मारो करो। हाँ मारना, मार तो दियो। वीर भैया, वीर भैया बात तो थका दिए। आना भी नहीं आया, मुझे कह रही थी खुद से भी नहीं लगा। नेहा यार आपकी मजबूत हो, बाहर पत्थर बड़ा सा उठा कर इसमें। अगर अब की बार नहीं टूटा ना तो घर चलेंगे अपने अपने। हाँ यार अब की बार और ट्राई कर लेते हैं। वो रहा पत्थर, क्यों बता लेते हैं? वो वाले में मारना, वो वाले में, वो वाले में। यार ऐसे नहीं कभी खाली जाए, चुमके ना तब मारो। हाँ ये बढ़िया बताया, ये बढ़िया है। यार प्लीज टूट जाइयो। क्या हुआ भैया? भाई अरे क्या हो गया भाई, तेरे तो खून निकल रहा भाई। मर गया मैं तो आज। अच्छा तुम नहीं फोड़ा मेरे भाई का सिर? नहीं नहीं हमने नहीं फोड़ा, वो तो आम तोड़ रहे थे, गलती से लग गया पत्थर। गलती तुम्हारी नहीं है मेरी है, ना तो मैं इस पेड़ नीचे बैठा था ना मेरा पत्थर लगा था। नहीं नहीं गलती तुम्हारी क्यों है, गलती तो मेरी है, पत्थर तो मुझसे लगा है ना जी। तुमने मेरे भाई का सिर का खरबूजा तो फोड़ दिया, कम से कम इसका हाल चाल तो पूछ। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है, खून तो साफ कर दे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नेहा है। हम यही पास के गांव में रहते हैं, यहाँ आम तोड़ने के लिए आए थे जी। तुम भी बता दो अपना नाम। ये नाम है मेरा नाम हाँ। मेरा नाम सिमरन है। तुम्हारे नाम तो तुमने पूछ लिए, अपना नाम नहीं बताओगे क्या? मेरा नाम वीर है। अच्छा इसने तो भाई का नाम पूछ लिया और तू मेरा नाम नहीं पूछती, तो बता दो क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आर्य है जी, और मैं भोजी हूँ, और यू मेरा बड़ा भाई। चल नेहा
अच्छा वीर, अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई। ठीक है। अरे भाई, आज तो सारी आम भी झड़गी, चला घर चला। शोक हसीना मुश्किल जिसके बिन जीना, यारो एक शोक हसीना मुश्किल जिसके बिन जीना, कल मिल गई थी रास्ते में उसने हंसते हंसते में मेरा चैन सुकून दिल छीना, यारो एक शोक हसीना मुश्किल जिसके बिन जीना, कल मिल गई थी रास्ते में उसने हंसते हंसते में मेरा चैन सुकून दिल छीना, यारो एक शोक हसीना। और गाल गुलाबी है, रूप अजंता जैसा और चाल शराबी, हाय सोने जैसा तन उसका और गाल गुलाबी है, रूप अजंता जैसा और चाल शराबी, माणिक और हीरे मोती औकात है इनकी छोटी, वो है फर्ज निभाओ, मुझे प्यार करोगे लगा है मेरी जान बचाओ, ओ मैं यार तुम्हारा यारो कुछ फर्ज निभाओ, मुझे प्यार करोगे लगा है मेरी जान बचाओ, है किसकी वो शहजादी मेरी तय करवा दो शादी, मेरा डूबा जाए सफीना,
पाप लगेगा। इस तरह न तनहा छोड़ो तुम्हें नाग डसेगा। आशिक से मुंह ना मोड़ो तुम्हें पाप लगेगा। इस तरह न तनहा छोड़ो तुम्हें नाग डसेगा। मौसम की तरह बदल गए मेरा प्यार देख के जल गए। ये वक्त है बड़ा कमीना यारों एक शोक हसीना। मुश्किल जिसके बिन जीना कल मिल गई थी रास्ते में उसने हंसते हंसते में मेरा चैन सुकून दिल छीना। यारों एक शोक प्यार हो गया। नहीं यार सिमरन, क्या सचमुच प्यार में यही होता है जो मुझे हो रहा है? हाँ नेहा, तेरी सिचुएशन बिल्कुल प्यार जैसी है। तो सिमरन यार तू ही बता मैं क्या करूँ। तुझे कुछ नहीं करना मेरी जान, तो जो कुछ करेगा वीर ही करेगा। जो मैंने पुकारा और तुम चले आए। हाँ, मोहब्बत में कभी धोखा मत देना, आंसुओं का कभी तोहफा मत देना, जो रोए दिल से याद करके जानम कभी ऐसा मौका मत देना। चरागी मोहब्बत जलाकर तो देखो, मोहब्बत की दुनिया बसाकर तो देखो, न चुरा लूं तुम्हारे सारे गम तो कहना, हमें अपना साथी बनाकर तो देखो। सोले सबनम में डूब जाते हैं, जब हम मर्रम में डूब जाते हैं, जब कोई आसरा नहीं मिलता हम तो आपके गम में डूब जाते हैं। इस दिल की बात जानता नहीं कोई, कहना इन आँखों का मानता नहीं कोई, हम तो जान भी लुटा दें अपनी खुशी से, मगर अहमियत इस जान की जानता नहीं कोई। रहने दे रहने दे, निठम सी लगी बैठी तू। तुम तो बहुत अच्छी शायरी करते हो, अब मेरे दिल की आवाज भी सुन लो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नेहा। सुनिया, मैं भी तेरे तक घना लाड करा लिया, ठीक है? फौजी हूँ कभी भूल जा। अरे मेरे ससुरो, थोड़ा ड्रामा कब तक चल रहा है भाई? पिताजी हम तो मजाक से कर रहे हैं। पिताजी हम दोनों इनसे प्यार कर रहे हैं जी, इनसे शादी करना चाहें जी। अरे छोरियो,
तुम बताओ थारी के राज्य। हाँ पिताजी, हम दोनों भी इनसे बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अच्छा न बताओ, किसकी छोरी तुम दोनों और कौन से गांव से हैं? हम दोनों सहजवी गांव की सूरजभान चौधरी जी की लड़कियां हैं। अच्छा, तो तुम चौधरी की लड़की हो। अरे मेरे ससुर, मैच तो मैच मिलाकर यहाँ मैच खेल रहे हैं। गोरी ने गोरी ढूंढी और काले ने काली ढूंढी। चलो वो तो ब्याला करने लायक पर मैं बात करूँगा। अच्छा सा करो छोरियो, तुम तो अपने घर जाओ ठीक है, और तुम चला रहे करो। ओ आपकी पक्की तो हो ही गई, कौन प्रभु का ब्याह का मुहूर्त कटवा है अगर पता कर दिया आप। जी चौधरी साहब ठीक करे, बात तुम्हारी सारी पक्की हो ही रही है। जैसे ही मुहूर्त निकलेगा मैं पता करवा दूंगा। हाँ ठीक, चौधरी साहब राम राम जी। राम 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 जी। बंजारी भी आ गए तो अच्छे मुहूर्त का काम हो गया। ब्याह होगा जी होगा, पहले नाच गाना ही देख लेगा। सही कह रहे। हाँ जी चौधरी साहब, मेरा नाम है मुंगेरी बंजारा। मैं ऐसा रंग जमा दूंगा, ऐसा रंग जमा दूंगा, ऐसा रंग जमा दूंगा। कैसा रंग जमा दूंगा? हाँ ऐसा रंग जमा दूंगा जैसा मैंने पहले कहीं पर जमा दिया है। जमा के दिखाइए। तो फिर सुनो, जिक्र करूंगा सब अब बीता, इसमें झूठ मिले कोई ना। जिक्र करूंगा सब अब बीता, इसमें झूठ मिले कोई ना। एक समय की बात मैं भाइयों सामने तारे रह बतलाए। जिक्र करूंगा सब अब बीता, इसमें झूठ मिले कोई ना। जिक्र करूंगा सब अब बीता, इसमें झूठ मिले कोई ना। IPL 2020 कप का रह में हाल सुनाए। राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी मेरी शरण में पहुंचे आए। मांगा आशीर्वाद मेरे ते हमें गुरु जी दियो जितवाए। सचिन गंगुली द्रविड़ वीरू बड़े खिलाड़ी पड़े दिखाए। चौके छक्के मारे जोर के मारी पार बसावे लाए। धोनी धुरंधर है अलबेला उसको गुरु जी दो झुलवाए। धोनी जो धुल गया हमें फिर हरावे कोई ना। देखे आशीर्वाद टीम मन हो, देखे आशीर्वाद टीम मन राजस्थान की दी जितवा। जिक्र करूंगा सब अब बीता, इसमें झूठ मिले कोई ना। जिक्र करूंगा सब अब बीता, इसमें झूठ मिले कोई ना। शौक चढ़ाता मन फिल्मों का मैं बंबई में पहुंचा जाए। सुन के नाम मुंगेरी मेरा सारे एक्टर गए घबराए। सारी हीरोइन इकट्ठी होके मेरे पास गई थी आए। रानी मुखर्जी ट्विंकल खन्ना सुष्मिता ऐश्वर्या राय तब्बू करीना और करिश्मा मल्लिका रही नैन लड़ाए।
होठ छोट कपड़ों में सारी गोरी चमड़ी रही दिखाए, जो मांगोगे वही मिलेगा हमको काम दियो दिलवाए। गुड्डी मारुति जो देखी हो, गुड्डी मारुति जो देखी मने पसीना गया था। जिक्र करूंगा सब अब बीता, इसमें झूठ मिले कोई ना। जिक्र करूंगा सब अब बीता, इसमें झूठ मिले कोई ना। एमएलए प्रधान के दौर इलेक्शन का जब आए, मेरे दरवाजे पे नेता अपना डेरा देवे लगाए। देसी टर्रा रम और विस्की रोज फ्री की मने पिलाए, दो दो गाड़ी बोट रोज की सबके सिर पे दे उठवाए। मारे गांव की छाया बोली ऐसे काम चलेगा ना, अब के मने जिताने खातर मेरा तो प्रचार कराए। उसको जिताने खातर सारे पूत कैप्चर दिए करा, बारी मतों से विजयी करा के हो, बारी मतों से विजयी करा के मुख्यमंत्री दी बनवा। जिक्र करूंगा सब अब बीता, इसमें झूठ मिले कोई ना। जिक्र करूंगा सब अब बीता, इसमें झूठ मिले कोई ना। जिक्र करूंगा सब अब बीता, इसमें झूठ मिले कोई ना। जिक्र करूंगा सब अब बीता, इसमें झूठ मिले कोई ना। जिक्र करूंगा सब अब बीता, इसमें झूठ मिले। बेटा राजगीर, दोनों छोरे जवान हो गए हैं, इनका कहीं रिश्ता विश्ता देखो, नहीं तो ये किसी लड़की को लेके कभी भाग जाएंगे। बस अरे माँ, ये रिश्ता मेरे हाथ में है के बता, इनकी कुबत देखते हैं कोई हानि बरता। और एक आदमी को कह रहा क्या उनका वादा है, वो आगे तो देखो बात बन जाती। राम राम चौधरी साहब। ओहो राम राम जी, राम राम। आए और सुनाओ क्या हाल चाल है। बस ठीक ठाक है। यह चौधरी सूरज बान जी, नमस्ते। इनसे बातचीत चल रही है, मेरी माता जी हैं। अच्छा, नमस्ते। इनसे चल रही बात, अच्छा जो कुछ होगा आपके सामने ही है बस। हाँ चौधरी साहब, कब का मुहूर्त निकलवा रहे हो शादी का? जो कुछ करना हो जल्दी कर लो, जमाना बहुत खराब है। माँ जी, मुहूर्त की बात तो मैं जरूर बताऊंगा, पर बताऊंगा छोरों के सामने, उन्होंने और बुलवा लो। क्यों भाई जी? हाँ ठीक है जी। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बुला रहे हैं। बेटा राजवीर, बुलाइयो मेरे दोनों पोतों को। अभी बुला। अरे आर्य ली रे, अरे इधर आओ रे, और पानी लेकर आइयो। अरे कहाँ मर के दोनों के दोनों, पानी लियो। राम राम। माँ जी, छोरे तो मुझे थारे दोनों पसंद, मगर इन छोरों की साथ में मैं अपनी लोंडियों का ब्याह बिल्कुल ना करूं। क्यों चौधरी साहब, हमारे छोरों में से क्या कमी है जो आप शादी नहीं करना चाहते? माँ जी, मैं तुम्हारे छोरों से अपनी छोरियों का ब्याह यूं नहीं करना चाहता, मैं गांव समाज पर अपने मुंह पे नहीं थुकवाना चाहता। तुम्हारा खानदान तो पापी है पापी, तुम्हारे खानदान में एक बहुत बड़ी कमी है, पापी है तुम्हारा खानदान पापी। तुम्हारे खानदान में कन्याओं को गर्भ में ही मरवा दिया जा। अरे कौन जोड़ेगा ऐसे पापी खानदान में अपनी रिश्तेदारी? तुम तो समाज में रहने लायक ही नहीं हो। मैं तो इस मुद्दे को पंचायत में और उठवाऊंगा और तुम्हारा हुक्का पानी भी गिरवाऊंगा। देख लिया दादी, तेरे कर्मों का फल ही होगा, भुगतना पड़ेगा। दादी, जो तुम्हारी बहन को ना मरवाती ना, हमें ये दिन ना देखने पड़ते, ना लोग बात सुननी पड़ती। अब बता माँ, अब बोल, तेरे इन पोतों का कौन ब्याह करेगा? अगर तू मेरी लड़की को ना मारती तो ये दिन ना देखने पड़ते, और जो दुनिया की सारी औरत नहीं सोचने लगे
उन्हें लड़कियों को मारे लगे तो पृथ्वी पे तो लड़की का नाश ही हो जाए, तो संसार ही नहीं चले। बता तो कोई बढ़िया कराए का। माँ जी, अगर तुमने ये कारनामे ना किए होते तो मेरे दोनों बेटों की शादी हो गई होती और घर में दो दो बहुएं आ गई होती। हे भगवान, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है, मेरे पाप की सजा मेरे पोतों को मत दो। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दे, मेरे पोतों का ब्याह करवा दे। अब हमें समझ में आ गया है कि ये कन्याएं घर की लक्ष्मी होती हैं, इन्हें कोई ना मारे, कभी भी ना मारे। अब मैं ऐसा पाप कभी नहीं करूंगी और सारी दुनिया की औरतों को समझाऊंगी कि कोई भी ऐसा पाप ना करे। माँ, ये तो हमने नाटक करा था, तेरी आँख खोलने के लिए, तुझे दिखाने के लिए कि एक पाप से कितने घर बर्बाद होते हैं, लड़की इन्हें पसंद है। माँ जी, लड़कियों की क्या कदर होती है ये आपकी समझ में आ गई, मुझे बड़ी खुशी हुई। अब रही शादी के मुहूर्त की बात, 3 दिन बाद का शादी का मुहूर्त निकला है, 3 दिन बाद आपके घर में बुआ आ जाएगी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, बस मेरे घर में बहुए आ जाए फिर मैं तो हरिद्वार चली जाऊंगी और बस वहीं पर जय श्री राम जय श्री राम। ओम जय श्री राम, ओम जय श्री राम, जय श्री राम, ओम जय श्री राम। अरे भौजी, हाँ भाई, सगाई तो तन्ने करवा ली भाई। अच्छा भाई, इब नू होर बता दे, बरात कदगू करवावेगा? अब तो तू छुट्टी भी आ गया, अब तो बरात करवा दे। बरात भी करवाऊंगा भाई, थम जा, मेरी तो सुन ले। पहली रात की याद आवे मोज यारो, पहली रात की याद आवे मोज यारो। सुपने में थारी भाभी मन दिख रोज यारो, पहली रात की याद आवे मौज यारो। सपने में थारी भाभी मन दिखे रोज यारो, न्यू गात उमंग में भर गया, न्यू गात उमंग में भर गया। रूप का नजारा मित्रो इस फौज न घायल कर गया, रूप का नजारा मित्रो इस।
जैसे जैसे बढ़ रही थी आगे बरातियाँ रो धीरे धीरे बढ़ रही थी प्यार वाली बात यारो जैसे जैसे बढ़ रही थी आगे बरातियाँ रो धीरे धीरे बढ़ रही थी प्यार वाली बात यारो मैं उस पे ऐसा मर गया मैं उस पे ऐसा मर गया रूप का नजारा मित्रो इस फौज ने घायल कर गया रूप का नजारा मित्रो इस फौज ने घायल कर गया रूप का नजारा मित्रो इस फौज ने घायल कर गया जज्बात थे अच्छा। प्यार में भरपूर मरे दोनों के दांत थे हाथों में हाथ थे बहके जज्बात थे प्यार में भरपूर मरे दोनों के दांत थे जब पानी सर ते गुजर गया जब पानी सर ते गुजर गया रूप का नजारा मित्रो इस फौज ने घायल कर गया रूप का नजारा मित्रो इस फौज ने घायल कर गया रूप का नजारा मित्रो इस फौज ने घायल कर गया मस्ती सी छाई यारो मेरे अंग अंग में पहला भाग खेल लिया था उस गोरी के संग में मस्ती सी छाई यारो फेर अंग अंग में पहला भाग खेल लिया था गोरी के संग में फिर प्यार का रंग बिखर गया फिर प्यार का रंग बिखर गया रूप का नजारा मित्रो इस फौज ने घायल कर गया रूप का नजारा मित्रो इस फौज ने घायल कर गया रूप का नजारा मित्रो इस फौज ने घायल कर गया रूप का नजारा मित्रो इस फौज ने घायल कर गया जी। हाँ भाई कहाँ खो गया अरे भाई कहीं नहीं तेरी भाभी का सपना था दिख गया था अच्छा गया था। अच्छा भाभी के अकेले घूम रहा हमें यहाँ छोड़ के अपने आप भाभी के घूम रहा अरे चलो ना चलो सूरज भान जी के बाग में आम भी चूसेंगे बड़ी मीठी आम भी लग रही है बहुत मीठी आम है टपका लग रहा है टपका अरे हां चलो भाई चलो 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 भाई दिन तो सोच रहा मैं चलो भाई